नमस्कार, मैं डॉक्टर पवन शर्मा आपके सामने आज रेलवे की नई वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ। तो देखो, रेलवे में निकली है 35,277 पदों पर भर्तियाँ। इसमें प्रथम चरण में सामान्य जागरूकता यानी कि जीके, जिसमें भारत जीके आता है, पॉलिटिकल वगैरह, संविधान वगैरह सब कुछ पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री वगैरह सभी पोर्शन है इंडियन जीके के। तो यहाँ पर 40 प्रश्नों का जीके रहेगा, ठीक है भाई। उसके बाद सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति 30% के होंगे, मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, तो इसके बारे में 30% रहेंगे। गणित में 30% होंगे, तो टोटल पहले चरण में कुल 100% होंगे। फिर देखो, पहले चरण में जो पास हो जाएंगे उसके 20 गुना द्वितीय चरण में लेंगे। सामान्य जागरूकता 50% आएंगे द्वितीय चरण में, सामान्य बुद्धि और तर्क शक्ति 35%, गणित के 35% आएंगे, कुल 120% होंगे। इस तरह से ये प्री और मेंस का पेपर रहेगा। इसके बाद देखिए, तारीख आ चुकी है, नोटिफिकेशन के अनुसार ऑनलाइन भुगतान 4 अप्रैल और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12 अप्रैल है, ठीक है भाई। तो इस तरह से फॉर्म में पूरी न्यूज आ चुकी है ये। और आपको एक बात बता दूं, कुछ जोन में मेरिट कम जाती है, जैसे पिछली बार RRB जोन में पटना में कम गई थी मेरिट, और उसके अलावा बेंगलोर जोन में भी मेरिट कम गई थी। तो आप जरूर फॉर्म को देखकर स्थान वगैरह चूज करके उस हिसाब से वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी देखें और उसके बाद ये भर सकते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन कर दें, और हमारे यहाँ अनूपगढ़ में आदित्य कोचिंग सेंटर में तैयारी करवाई जा रही है, तो आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो। मात्र 300 रुपये में 12 टेस्ट भी दिए जाते हैं। धन्यवाद।